है तो हमारे परम बुजुर्गों, नौजवान साथी और प्यार करने के योग बच्चों, हमारी सती अनसुईया समान मेरी माता और बहनों, आइए लीजिए आज मैं सोनोटेक कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक और ये नवलदेव विवाह लीला कहने को जा रहा हूं। हमारी सोनोटेक कैसेट की प्रस्तुति करते हैं हंसराज जी दिल्ली वाले और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे भैया कैलाश मैक्स स्टूडियो दिल्ली और हमारे साथ पर संगति कर रहे हैं ढोलक मास्टर हमारे बड़े भाई हरिओम धुमसरी वाले और चिमटा बजा रहे मुकेश भैया कुंडोल वाले और हमारी इस कथा के रचनाकार हैं कवि रमेश चंद तमोरी जी बड़रिया वाले और हमारे जो शूटिंग कर रहे हैं बिल्लू भाई प्यारे प्यारे छल छबीले ए दुर्गे माँ सरस्वती माँ धरूं हमेशा ध्यान आन विराजो कंठ पे सुदे जइयो मा ज्ञान द्वारिका दास गुरुदेव के मैं धरूं चरण में ध्यान अपनो सेवक जान के स्वामी दियो अटल मुई ज्ञान जित में मेरे गुरु वसे और वितकी चलियो प्यार गुरु में लगे मुंह में लगे सो है जाए भव से पार ओम मैया ठेठ करौली बाली तो ते ऊपर वस रही काली तेरी लीला अजब निराली सोनी महारानी मैया ठेठ करौली हरी तो ते ऊपर वस रही काली तेरी लीला अजब निराली सोनी महारानी ऐसी लागी है ऐसी लागी है लगन मेरे मन में मैया शीश न बाऊ चरण में मुपे मेहरी करो मेरी तेरा सुनो ऐसी लागी है ऐसी लागी है लगन मैया मन में मैं तो शीश न बाऊ चरण में मेरी तेरा सुनो मुपे मेरे करो राजक वंश चलायो सुनी महारानी कारी सिल में नीर बहायो तेने दानव राक्षस मारो तेने राजक वंश चलायो सुनी महारानी ऐसी लागी है मैया ऐसी लागी है लगन मेरे मन में मासी सन बाऊ चरण में मेरी ते सुनो मुपे मेरे करो मेरी ते सुनो मुपे मेरे करो मैया आजा ना हर बारी मैंने ले ली शरण तुम्हारी मेरी रख दे लाज हमारी मेरी महारानी ऐसी लागी है ऐसी लागी है ऐसी लागी है लगन मेरे मन में मैया शीश न बाऊ चरण में मेरी पे सुनो मुपे मेहरी करो
मन करूं बिछैया, आसन मार ध्यान धरूं तेरो हाथ ने करूं बिछैया, भरी सभा के बीच में आजा मेरी बुढ़वा मैया। अरे जब जब भीड़ परी तेरे जन पे ते नहीं संकट टारो, सोनो टेक में तू ही बुलावे तेरो दास जे प्यारो, अरे सभा में दौड़ी मुकेश भैया सभा में दौड़ी आवेगी अररर मेरी थप्पर भरनी मात, सभा में दौड़ी आवेगी अररर मेरी थप्पर भरनी मात। तो लगाइए ध्यान, ये हमारी नवलदे विवाह लीला कहां से शुरू कर रहा हूं। एक दिन भैया मुकेश जी भैया अर्जुन भीमसेन से कहने लगा के भैया भीम, हाँ भैया कहिए, अगर आपकी आज आज्ञा हो जाए तो मैं आज नागलोक में भ्रमण करने जा रहा हूं। भीमसेन कहने लगे ठीक है भैया चले जाओ। आय हाय, आज अर्जुन अपने कंधों पे धनुष बाण को धारण करके नागलोक को चल दे, और नागलोक में जाकर के अर्जुन ने क्या देखा भैया, ए अर्जुन सुमिर श्री भगवान, अर्जुन सुमिर श्री भगवान पहुंच गए नागलोक जाई, हरिओम भैया। अर्जुन घूमते घूमते नागलोक में पहुंच गए कि जहां राजा वासिक का दरबार था, बड़े बड़े सुंदर महल अर्जुन ने देखे और कई प्रकार के अर्जुन ने वहां पर नाग देखे तो बड़े अचंभे में पड़ गए। रमेश जी सोच रहे हैं ऐसे महल ऐसे नाग तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे, और क्या हुआ नागलोक में पहुंच जाई, और देख रहे वो सुंदर ताई, सुंदर नगे सुंदर बने नाग की धाम देख रहो वो सुंदर ताई, गुलाबी पीरे करियल और पवन भुजंगी बैठे हरियल, अजगर बैठे घुंडी ने मार गयो अर्जुन बलधारी, अर्जुन सुमिर श्री भगवान पहुंच गए नागलोक जाई, आज हरिओम दादा धीरे धीरे अर्जुन
और बासक के महलों के निकट पहुंच जाते हैं। बासक के महलों के सामने जो ड्योढ़ी बान खड़ा था, ड्योढ़ी बान को बुलाया कि भैया इधर आओ। हाँ हाँ कहिए महाराज, क्या बात है? कह दो तुम्हारे राजा बासक से कि तुम्हारा मित्र यानी अर्जुन हतनापुर से आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूं। ड्योढ़ी बान से वचन सुनाया, ओ अर्जुन पारत, क्या बोले? अर्जुन मिलवे हतनापुर से आयो, बिन को बड़ो जरूरी काम कहो, तुम जल्दी से जाई। अर्जुन सुमिर श्री भगवान पहुंच गए नागलोक जाई। भैया आज इस प्रकार से इधर में मेरे श्रोता हो, ड्योढ़ी बान जाकर के राजा बासक के पास पहुंच के कहने लगे, प्रणाम महाराज। कहो ड्योढ़ी बान, कैसे आना हुआ? महाराज हतनापुर का अर्जुन आपसे मिलना चाह रहा है और महलों के बाहर खड़े हैं। ओहो, पारत कहने लगे अंदर बुला के लाओ ना। आज ड्योढ़ी बान जाके पारत को बुला के ले आते हैं। आज दोनों भुजा पसार के मिलने लगे हैं बासक और अर्जुन। अर्जुन कहने लगे, भैया हम तुम दोनों आसार फांस का खेल खेलते हैं, अगर मेरे बेटी का जन्म हो जाएगा, तेरे बेटा का जन्म हो जाएगा तो मैं मेरी बेटी तेरे बेटा के लिए दे दूंगा, और अगर तेरे बेटी का जन्म हो गया और मेरे बेटा का जन्म हो गया तो तुझे तेरी बेटी मेरे बेटा के लिए देनी पड़ेगी। दोनों में शर्त हो जाती है और सार पांच का खेल खेलने लगे श्रोता हो। तो अर्जुन ने राजा बासक को सार पांच में हरा दिया। और इधर तो जो अभिमन्यु की घरवाली थी उत्तरा उसके गर्भ था, और उधर बासक की रानी उसका गर्भ था। आए हाय, इधर में राजा बासक निराश होके महलों को गया, अर्जुन अपने हतनापुर को आ गए। तो रानी कहने लगी, स्वामी स्वामी। हाँ रानी, क्या है? स्वामी आपके चेहरा पर उदासी कैसे छा रही है? राजा क्या बोले? ए के सार फांस भई, आज सभा में सुन सत बंती नारी। अर्जुन जी तो मेरी भई है प्यारी हार। रानी, आज अर्जुन में और मुझ में सार पास हुई थी, अर्जुन ने मुझे सार पास में हरा दिया, और हमारे दोनों के बीच में ये शर्त रुक गई है कि जिसके घर बेटी का जन्म होगा उसे शादी करनी पड़ेगी। और क्या बोले हैं महाराज रानी से? ए के जब से खेलो सार रात दिन मोए कलना, रानी जब से सार पास में हरा हूं, जब से मुझे रात दिन चैन नहीं आ रहा है। जब से खेलो सार रात दिन मोए कलना, चाहे मेरे प्राण करो पैदा ललना, अगर रानी तू मेरे प्राणों को चाहती है, अगर मुझे सच्चे दिल से चाहती है तो एक बच्चा पैदा कर दे, बच्चा।
रानी कहने लगी, महाराज तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तो भगवान की देन है, मुझे क्या मालूम इस अंधकार में बच्चा है कि बच्ची है। नहीं रानी, अरे जब से खेलो सार रात दिन मोए कलना, अरे चाहे मेरे प्राण करो पैदा ललना, एक बात और सुन ले रानी, अगर तेरे बच्चा ने यानी बच्ची ने जन्म ले लिया तो मैं कटारी खा के मर जाऊंगा। जो जन्मेगी सुता नार में मर जाऊं खाई कटार, अरे जो न जी तो मेरी भई है प्यारी हार। आज भैया हरिओम। बासक राजा कहने लगा, रानी रानी मेरे प्राणों को बचा ले रानी, अगर हमारे बेटी ने जन्म ले लिया तो हमारी नौक कट जाएगी। और क्या बोले, आज रानी कहने लगी कि महाराज मेरी तो बात सुनो, ये अंधकार है इसमें मुझे क्या मतलब है, कौन है तो भगवान की देन है। क्या बोली रानी, अरे 9 महीना को बोझ ना तो माता झेले। क्या बात है मुकेश, अरे 9 महीना को बोझ ना तो माता झेले। अंधकार के बीच राम जाने को खेले, जो लिख दीनी भाग विधाता पायना मेटनहार, अरे जो न जी तो मेरी भई है प्यारी हार। आज रमेश जी रानी कहने लगी, अरे महाराज एक बात से तो मैं आपको धीर बना सकती हूं। कौन सी बात है रानी बताओ ना, अगर महाराज मेरे कन्या जन्म ले लेगी तो उसको मैं मार के गंगा में बहा दूंगी। ठीक है रानी, ऐसा ही करना, धरो मेरे सर पे हाथ, तुम ऐसा ही करोगी ना? तुम्हारी कसम कह रही हूं महाराज, ऐसा ही करूंगी। जो मेरे जन्म में सुनो, जो मेरे जन्म में सुता मार दूं एक पल में, मत कहने लगी जो मेरे कन्या जन्मेगी तो उसको एक क्षण में मार डालूं। मत घबरा बे पिया धीर धर ले दिल में, जो मेरे जन्म में सुता मार दूं एक पल में, और क्या बोली, गर्द नमस्क सुता की स्वामी जल में दूंगी डारे, अरे जो नदी तो मेरी भई है प्यारी हार। भैया आज इस प्रकार से रानी ने धीर बनाई राजा को। बंधु और राजा इधर में महलों के लिए चल दिया है। ओ रानी ने धीर बंधाई निज सभा गयो नृपुराई,
रानी ने धीर बंधाई होली दसवा गयो नपुराई। और इधर में रमेश जी हतनापुर में का है रहो, अर्जुन सुमिरत बंसी बारो, एक अर्जुन सुमिरे बंसी बारे, होश दिले मुरली गया बारे। एक अर्जुन सुमिरत बंसी बारे, होश दिले मुरली गया बारे, रोई नाथ सहारो है बास का जुआ में आरो। भैया आज मेरे श्रोता हो, इधर में अर्जुन भगवान कन्हैया से ध्यान लगाने लगा है, मुरलीधर हमारी लाज रख ले। श्रोता ज्यादा क्या कहूं, उत्तरा के गर्भ से और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और परीक्षित जब थोड़े से बड़े हुए यानी सियाने हुए तो गुरु धनत्तर के पास विद्या सीखने जाते थे। और इधर में नागलोक में कह रहे भैया हरिओम सुन ले कि नागलोक में राजा बास की रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और कन्या को धरती पर लिटा दिया है और गर्दन पर लात जमाई और सोचने लगी इसको मार डालूं, लेकिन मां की ममता तुम जानते हो श्रोता हो। एकदम से रानी का दिल पिघल आया और कहने लगी नहीं नहीं जी बेटी मुझ पर नहीं मारी जाएगी। आय है क्या हुआ भैया, ए कैसी बेटी जनी मुकेश, कैसी बेटी जनी धरती पे डार रानी रोई रही खड़ी। आज हरिओम भैया धरती पे कन्या को लिटा दिया है रानी ने और रोने लगी है परमात्मा मैं इस बच्ची को कैसे मारूं, मुझ पे नहीं मारी जा रही है। रानी सोचने लगी कि कोई बात ना, इस कन्या को मैं महल में छुपा के रख दूंगी, मेरे राजा पूछेंगे तो बता दूंगी कि मेरा तो गर्भ नष्ट हो गया। बंधुओं क्या सोच रही रानी, ये बेटी में प्राणन प्यारी कैसे जाए, जे मो पे मारी महलन में जाए, रखूं छिपा के गर्भ नष्ट म्यो दऊं बताए के। ए जे बेटी में प्राणन प्यारी कैसे जाए, जे मो पे मारी महलन में जाए, रखूं छिपा के गर्भ नष्ट में दऊं बता के। सब विद से बनी धरती में डार रानी रोई रही खड़ी। इस प्रकार से रानी सोचने लगी है, उस लड़की का नाम नवल दे रख दिया और महल में एक में जाके छुपा दिया रानी ने। और बांदी से जवाब दो, बांदी कभी राजा को बताना नहीं है। बांदी कहने लगी ठीक है महारानी जी। आज बांदी राजा को बुला के लाई, जवाब दो महाराज। रानी ने जवाब दो महाराज मेरा तो गर्भ नष्ट हो गया। आहा बात सके एकदम फूले नहीं समाए रमेश जी, क्या बोले हैं के धन धन रानी तोए बचा लो मोई विपत्ति तन टारी, जा नागलोक की लाजर बचा लई तन प्यारी। धन्य हो, धन्य हो रानी, धन्य हो तूने मेरे पूरे नागलोक की लाज को बचा लिया। हो धन धन रानी तोई बचा लो मोई विपत्ति तन टारी,
राजा खुशी जो हो गयो है भैया सुन रानी के बचन के राजा खुशी जो हो गयो है। अरे खुशी जो हो रो है भूप जब खुशी रे हो रो है दादा सुन रानी के बचन के भैया एकदम से खुश हो गए है राजा। जवाब दिया है धन्य हो रानी तुमने मुझको बचा लिया। मालूम नहीं था कहते हैं त्रिया चरित्र जाने न कोई और कसमें मार के उपते सती और होए। पहले तो कसम खाई कि मैं कन्या जन्मेगी तो मार के फेंक दूंगी। आज वही कन्या रानी ने अंदर महलों में छुपा ली। आय है बंधु हुआ क्या है। धीरे धीरे वो कन्या बढ़ने लगी भैया धीरे धीरे बढ़ने लगी जैसे चंद्र बढ़े आकाश। राजा एक दिन चल दयो सो महल में रानी पास। एक दिन बासिक राजा अपनी रानी के पास महलों में आए। अब वो नवलदेव महल पे केस सुखा रही थी। जैसे ही राजा की नजर पड़ी सोचने लगा हूं कौन है ये हमारे महल पे, ये तो बहुत सुंदर है। आहा हा भैया क्या रूप था उस लड़की का। ए मन में बस गई छोरी, रमेश जी मन में बस गई छोरी चंद्र चकोरी चपरे फूल घंगरिया में बालस को यठरिया में बालस गावे यठरिया में। आए राजा सोचने लगा बहुत सुंदर है इसको तो अपनी पटरानी बना के रखूंगा। क्या सोच रहे जाए पटरानी बना के मैं राखूं दिल अपने में बसाए के राखूं। कानन में वाला मोहन की माला जादू भरो नजरिया में बाल सुखावे यठरिया में बाल सुखा रही यठरिया में। आज इस प्रकार से राजा रूप को देख के मोहित हो गए श्रोता हो। मालूम नहीं था कि ये मेरी ही लड़की है। आगे हुआ क्या है भैया। अरे सूरत दिल में गई है समाए के देखे बासिक मोड़े मोड़े के हरिओम दादा अब ना चैन पर रो बासिके। अरे बड़ो एह ए बुरो भयो जंजार के बासिक मन अपने में हरसाया। भयो बुरो जंजार के बासिक मन अपने में हरसाया। मनसा पाप लगो जाए मनते कोड़ी है गई सबकाया। जाको दियारा जाको दियारा चैन में नाही के देखे पापी मोड़े मोड़े के। सूरत दिल में कोड़ी हो जाते हैं जब उनकी नियत अपनी लड़की पर गई। आज बंधुओ बास के एकदम से रानी के पास गए और कहने लगे रानी
हाँ कहिए महाराज, कौन है जो हमारे महल पे कौन खड़ी है? ए, ए, महाराज क्या कह रहे हो? कौन लड़की खड़ी है हमारे महल पे? रानी एकदम से भैरा के चरणों में गिर गई, कहने लगी, महाराज 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 मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया है, तुम्हारी लड़की है नवल दे। आए है राजा एकदम से कहने लगा, हे रानी तूने अच्छा नहीं किया, आज बंधु आगे हुआ क्या है? आ रानी ने चरण पकड़ लिए हैं राजा के, क्या बोली? अरे चरण पकड़ रही रोई नागते नागिन नारी ये, अरे कुमार नवल देना ता तुम्हारी बिटिया प्यारी है, भैया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया, तुम्हारी कन्या नवल दे है। अरे गाट में ईश्वर ने खोली महाराज, अरे गाट में ईश्वर ने खोली गर्भ भयो मेरा नष्ट, झूठ पति मैं तुमसे बोली, भैया रमेश जी। रानी रोने लगी, कहने लगी, महाराज अब जे तुम्हारी मर्जी है, इसको मारेंगे या रखेंगे। बेचारे राजा नीचे को गर्दन नवागे, कुछ नहीं बोले, कहने लगे, ओ पापनी तूने इतना बुरा धोखा दिया है मुझको, सो मेरा सारा शरीर तूने कोढ़ी बनवा दिया। रानी कहने लगी, सुनो महाराज, अरे मारे चाहे राख दुलारी है, चरण पकड़ रही रोई नागत नागिन नारी है, आज मेरे श्रोता बंधुओं जब पिता के इतने वचन सुने हैं तो नवल दे खुटपुट 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 उतर के टरिया से नीचे आ गई, कहने लगी, पिताजी घबरा क्यों रहे हो, मुझे ये बताओ तुम्हारा ये शरीर कैसे सही होगा? वासिक राजा कहने लगे, बेटा मेरा शरीर सही होगा, धनत्तर का कुआ है हसनापुर में, उसमें से अमृत कोई लाएगा, मैं शरीर पर छींटा मारेगा जब मेरा शरीर सुवर्ण का होगा, तो पिताजी मैं जाऊंगी। नहीं बेटा तू मत जाना वहां पर। क्यों? उमर नवल देख है पिता क्यों दिल में घबराया, जलय मृत लाम जलय मृत दऊ छिरक बने त्यारी निरवल की काया, कहने लगी, पिताजी घबराओ ना, मैं जाऊंगी और मैं जल लेके आऊंगी। आज मेरे श्रोता हो, राजा कहने लगे, नहीं बेटी नहीं तू नहीं जाएगी। क्यों? क्या बोले हैं राजा? आए सोता ते ही पैसा परे ना, वो बेटी ते ही पैसा नहीं पड़ेगी वहां पे, आए सोता ते ही पैसा परे ना कुमर परी तत पहरेदार, बेटा तू मत जाना वहां, अर्जुन का नाती परिचित रहता है, तुझे पकड़ लेगा बेटी। नवल दे कहने लगी, पिताजी तू को मावली चिड़िया समझ रहे हो? क्यों बेटा? सुनो। हाँ सुना। आए पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, नागिन बन जाऊंगी मैं, अरे सी समय उड़ के खा जाऊंगी,
हाँ सुनो पिताजी के मेरो डसो बचे ना, अरे के मेरो डसो बचे ना, उमर परी तू पहरेदार आज एकदम से बासक राजा कहने लगे लाडली तू नागनी तो बन जागी पर मेरी बात तो सुन ले, तू नागनी बनाई तो वो तो दे कमनाने वो गुरु धनत्तर को छेलाए। आए धनत्तर गुरु को वो चीला और सदा वो नागिन से खेला। असले आए जंत्र और मंत्र चले ना, उमर परी तत पहरेदार सोता से पैसा परे ना, उमर परी तत पहरेदार। क्या बात है हरिओम। आज राजा ने काफी समझाया लड़की को नवलदे को, लेकिन नहीं मानती। कहने लगी नहीं पिताजी, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं जल लेने के लिए जरूर जाऊंगी। अब भैया ज्यादा क्या कहें, नवलदे सिंगार करके हतनापुर को चलने की तैयारी कर रही। भैया मुकेश कैसे, और तू जाने नई नोटी छोरी कैसे जाम। अब कैसे जा रही नवलदे, सुनो ए चल दइए नवल दे गजपुर को, चल दइए नवल दे गजपुर को, छोरी धर कसी सप गागरिया, चल दइए नवल दे गजपुर को। हरिओम दादा। आए लहंगा पे घूम घुमार, अरे लहंगा पे न घूम घुमारो गोटा चारो और जड़ी, और झिल मिल करे चुनरिया जाम पपैया मोर कड़ी। नहनो ने नो लगी रो कजला। रमेश जी जमा चीमटा वाना मुकेश जिन्हों की नियत ऐसी है जावे। नहनो ने नो लगी रो कजला टुंडी के नीचे पचमनिया, चल दइए नवल दे गजपुर को, छोरी धारी का शीश पे गागरिया। अरे गजगा में निसी चाल अनोखी, मद में भई दीवानी है। हतनापुर को चल दई छोरी लेबे अमृत पानी है। दौड़ झपट गजपुर में आई, दौड़ झपट गजपुर में आई, सर रही उड़ा परिया, चल दई नवल दे गजपुर को, छोरी धारी कसी सपे गागरिया। आज इस प्रकार से नवल दे गजपुर में पहुंच जाती है। जहां कुआं पे पहरा लगा रहा था परिचित वहीं पहुंच जाती है, और जैसे ही फांसो लगाए के गगरा फांसो कुआं में जब तक का भाव। अरे पहुंची नवल दे गजपुर में कुआ टप वो चल गई, आए हरे कुआटा पे मचली गई। रमेश जी ले जो खोली जाने फांसो लगायो, रह गई मटुकिया हाथन में कुआ।
मैया इस प्रकार से, जैसे ही मटू की फांसी तुरंत परिचत आ गया, और परिचत को देखते ही क्या काम करती है वो छोरी नवल दे, पतरी सी नागिन बने के एक बेले में सुर घुस गई। ओ बन गई रे, ओ नागिन बन गई रे नवल दीनारी, परिचत बन गो सपहेरा। अरे सपहेरे को देख नागिनी घुसी बिले में जाइए, अरे कौन खेट बैठो सपहेरो महुअर तुरत बजाइए, और क्या जे तो निकारी बिले की द्वार परिचत बन गो सपहेरो। जैसे ही सपेरे ने अपनी बीन बजाई, नागनी एकदम से बिले से बाहर निकल के आ गई, और जैसे ही सपेरा झपट के उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो दूसरा रूप क्या बनाती है नवल दे, तो नवला दे बन गई, तो नवला दे बन गई, आज जैसे ही नवल दे तोती बनी, परिचत एकदम से बाज बन गया, बनो बाज परिचत कपल में जन दाविलाई दो पंजन में, धरती पे तोती गिर गई, तोती नवल दे बन गई, आज जैसे ही धरती पे गिर जाती है, अब तीसरा रूप कौन सा बनाती है नवल दे, कौन सा, अरे कबास की जाई बन के मीन कूद गई जल में, अरे ओ मैया बन के मीन कूद गई जल में, बनेगो मंगर परिचत पल में, आज इधर में मीन बनके पानी में कूद गई नवल दे, पीछे से परिचत मंगर बनके कूद गया, आहा घुसी मीन पानी ओढ़े में, अब मारे पूछ मंगर मोहड़े में, आए भोलाए दई चतुराई बन के मीन कूद गई जल में, बास की जाई बन के मीन कूद गई जल में, आज मीन जैसे ही पूछ मारी मगर ने तो चिटके एकदम पानी से बाहर आ गई, और अपना असली रूप बना के हाथ जोड़ के परिचत से क्या बोली पैर पकड़ के, मारे मत राजा, मारे मत राजा बचन भर बायल, मारे मत ढोला बचन भर बायल, आ नवल दे कहने लगी स्वामी मुझे माफ कर दो, मैं अपने पिता पे पानी छिड़के वापस आके तुमसे जरूर शादी करूंगी, मुझे माफ मांग रही हूं, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मा की कवाले चाहे विष्णु की कवाले, ब्रह्मा की कवाले चाहे विष्णु की कवाले, महादेव की पिंडी पे हाथ टिकवाले, भर मत ढोला बचन भर बायले,
वाचा वचन भर के पानी भर के चल गई, और जैसे ही जाकर के अपने पिता के शरीर पर पानी छिड़का है, सुवर्ण का शरीर हो गया। और कहने लगी, पिताजी तुम्हारा शरीर कोढ़ इसलिए हुआ था कि तुमने अर्जुन से झूठ बोला था और मुझे महलों में छुपा दिया था। आए है। और कहने लगी, मैं तो हस्तिनापुर जाऊंगी और अपना ब्याह करूंगी वहीं जाके। राजा क्या बोले है रोके, अरे दुश्मन के घर जाते कुमार तू, लाज शर्म मेरी खोगी, तेरे डस पति को नाग लाड़ली विधवा बन के रोगी। जो परिषद परिषद ने फूल सूंघा था, जो परिषद खत्म हुआ था, वो ही श्राप राजा वासिक का था, याद रखें। आज मेरे श्रोता और राजा कहने लगे, जा तू जा रही है तो चली जा, लेकिन तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पति को नाक डसेगा, तू विधवा बन के रोएगी बेटा, विधवा बन के। तेरे डसे पति को नाग लाड़ली विधवा बन के रोगी। आज मेरे श्रोता हो, इतने वचन सुने हैं, नवलदे कहने लगी, पिताजी मैं जा रही हूं। नवलदे ने हरिओम भैया अपना चिड़िया का रूप बनाया और हस्तिनापुर को उड़ के चली है। कैसे, अरे बन के चिड़िया नवलदे बहना उड़ चली जी, तुम जानते हो मैया और बाप की आत्मा। आए बने के चिरैया न बलदे बेटी चली दई जी, ए जी कोई ताजी के हम कोई ताजी के पिता को द्वार बन के चिरैया न बलदे बेटी चली दई। माता पिता जो उठाड़े रोबे महल पे जी, के जी दो अखियन ते आहा दो अखियन ते तो आंसू बर साय बन के ती रही आना बल दे बेटी उड़ी गई। इस प्रकार से नवल दे चिड़िया का रूप बना के हस्तिनापुर को उड़ जाती है। श्रोता हो, इधर में परिचित महल पे बाट चारों के वहीं त्याई नहीं, बहुत देर रह गई। वो नौजवान पट्टा और रमेश जी इंतजार तो हो गई, तुम जाने। जब नवल दे महल पे पहुंच जाती है, ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमी हो, अब तो दोनों में दोनों की का भामर डरने लगी। रमेश जी, ए हस्तिनापुर मची गयो शोर। कैसे, ओ हस्तिनापुर मची गयो शोर, बास ककी आई गई हरे हरे, बास ककी आई गई सो कुमारी।
भैया हरिओम। भामर डर रही परिचत ने तो जब ही समाचार पहुंचा दे घर पर, सो लड्डू बन गए पीरे पीरे। भीमसेन तो नहीं ढकूला के ढकूला ने कर आ जाए बेरी। अतना पोरा मच गया हो शोर, बासिक की आ गई सो को मारी। और क्या मुकेश, कुमार परिचत के दिख संग में दई भमरिया डार। अरे कुमार परिचत के दिख संग में दीनी भमरिया डार। पूरे नगर में आनंद चायो, पूरे नगर में आनंद चायो, गाने तो गाए रही नारे खुशी भाई बनवारी। अतना पोरा मच गया हो शोर, बासक की आ गई, अरे अरे बासक की आ गई सो कुमारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से अब परिचत के साथ नवलदे की भामर डलने लगी हैं, और इधर में जो आसपास की औरत आई थी हतनापुर में, बिन परिचत का रूप देखो सो एकदम मोहित हो गई रमेश जी, और रूप देख के कहा गाय रही, तुम बैरवानी जाने ही बैरवानी तो अलग ही ओठूम चले। क्या गा रही के जी जी बरना बड़ा सुंदर है। क्या बोली, ए सब जोरे मेले ने रखे नारी, सोगारा छबी हरे अरे सोगारा छबी बरना की। हरिओम, बहुत ही सुंदर रह को तो जय सौ बरना लम्मा पूरा जब रहो परिचत। एक कह रही है जी जी देख ना इतना ये देख कैसा लग रहा है। ऐसा बरना सुनरी बहना तीन लोक में नाई, ऐसा बरना सुनरी जी जी तीन लोक में नाई। एक आई झपट के करी मज्जो मज्जो में सत नजर मंदेरी को के पले पला मार मारवे कहीं डोल लिए। ओ ज्यादा मोहम्मद पारे बेना, ज्यादा मोहम्मद पारे बेना, वर नो लो जोर लग जाए सुगरा चावी मारना की। सब और क्या, अब जिनके ब्याह है गए वे तो खोपड़ी ने खुजा खुजा के बैठेंगे कि भगवान अब हम का करें, मन तो मिल गए मुकेश जैसे, अब हमारे का मतलब है मलुकन। ए जोर मिल नारी सभी नगर की आरत रही उतारे, हमारे रमेश भैया के घर ते ही हमारी भाभी बू आ गई आरती उतारे वरना की। अरे जुर्मिल नारी सभी नगर की आरत रही उतारी,
कुआरी के मन रही लालचा। रमेश जी कुआरी तो हा कहानी भगवान है सही फोटो हमने मिले। कुआरी के मन रही लालचा ब्याही मूड खोजो श्रोता हो। एक कथा हमारी नवलदे का विवाह यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं मेरी कथाओं को तुम पसंद करते जाओगे तो और भी हम तुम्हें कथा सुनाते जाएंगे। और अभी इस कथा के बाद में ही आपके जाने पहचाने रामधन गुर्जर और हमारा साथ देंगे रमेश तमोरी बढ़रिया वाले और पुष्पा गोसाई। आपके बीच में हम पेश करेंगे राजा भर्तरी की कथा। अरे लीला संपूर्ण भैया हमारी पंचा सुन ले ध्यानो लगाई। रामधन गुजर त्यारोई गायक तुमको लीला का दिए सुनाई। करौली में दिख पड़ता यार रौदा मेरा सुबह स्थान भूलचू का जो मोसे बन गई मेरी गलती क्षमा हो जाए। हरिओम भैया मेरा जीवन साथी पीरन ढोलक रहो बजाए। अब मुकेश पीरन कुंडल बारे वो चिमटा में लगाए रही है तान। रमेश भैया बड़रिया बारे वो तोरे मंद मंद मुस्काई। बादी राम मेरे छोटे भैया वो गाथा पे लगाए रही है ध्यान। रामा रामा कहवे में सिया रामई रामा कहवे में त्यारो कहा गाठ को जाई वो जाई। श्री रामा रामा कहवे में तेरो कहा गाठ को जाई। सिया रामा रामा कहवे में सुन ले मनीष कहा गाठ को जाई। श्री राम राम कहवे में तेरो कहा गाठ को जाई। श्री राधे राधे जपवे में भैया